नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र आडिया, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच, अहमदाबाद में रहता हूँ। आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कैसे कह सकता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट है। आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, आप लोगों के दिल जीतना चाहते हो। और अगर आपने ये सीख लिया ना अच्छी तरह से और इस्तेमाल किया ना, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। मैंने क्या किया मालूम है? आपकी तारीफ की। आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? आप कभी किसी की तारीफ करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, नहीं करते हैं? इसका मतलब लोगों को अच्छा लगे ऐसा आप नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो लोगों की तारीफ करना सीखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और जेन्यून तारीफ, बटर प्लेटिंग नहीं, मक्खन पट्टी नहीं। सुकेतु करके एक आदमी बड़ौरा से मुंबई बड़ौरा एक्सप्रेस में ट्रेन में बैठा, दिन की जर्नी थी। 5-10 मिनट के बाद सामने का पैसेंजर किसी से फ़ोन में बात कर रहा था और शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था। ये देख के हैरान हो गया, आदमी गुजराती था मगर हिंदी में बात कर रहा था और एकदम शुद्ध हिंदी। उनकी बातें ये सुनता ही गया। और कुछ टाइम के बाद जब उनका फ़ोन ख़त्म हुआ तो इसने, उसको जानता भी नहीं था, फिर भी कहा, जेंटलमैन आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीख गए, ये तो हम कभी बोल ही नहीं सकते ये तो। तो उसने बोला, ये तो मेरा शौक़ है अच्छी भाषा सीखने का, इसलिए। आप कहाँ रहते हैं? बोले, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा, अमेरिका में रहते हो और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं आप, इट्स कमेंडेबल। फिर दोनों की बातें चलती रही, चाय मंगवाई, नाश्ता किया, बम्बई तक बातें चलती रही। दोस्तों, ये सुकेतु ने क्या किया? एक अननोन आदमी को जेन्यून तारीफ करके उनको खुश किया। आज इस बात को 10 साल हो गया, सुकेतु अभी अमेरिका में है और 10 होटल का मालिक है, और उसका पार्टनर वही इंसान है जो शुद्ध हिंदी में ट्रेन में बोल रहा था और उनसे मिला था, वही टाइम उनकी दोस्ती हो गई और आगे जाके वो अपने बिजनेस पार्टनर बन गए। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसने तारीफ नहीं की थी, ये तो उसके दिल में से आई और उसने तारीफ कर दी थी, मगर ये तारीफ का इतना जादू हुआ कि वो आदमी उसके ऊपर इतना खुश हो गया कि उसको अमेरिका बुलाया और बिजनेस सिखाया और बिजनेस पार्टनर बनाया। आज इतना बड़ा आदमी बन गया सुकेतु, सिर्फ एक ही आदत की वजह से, जेन्यून एप्रिसिएशन। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या जिंदा इंसान को ही तारीफ की जरूरत होती है? मरने के बाद नहीं होती है? आपका अगर ऐसी बात है तो गलत है। मुझे याद है, मैं एक आदमी के श्रद्धांजलि में गया था, बेसणा बोलते गुजराती में। वहाँ क्या होता है, कोई आदमी का डेथ होता है तो वहाँ फैमिली वाले बैठते हैं, उनका फोटो रहता है, दिया और फूल रहते हैं, और सब लोग आते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। ये गुजरात में कस्टम है। एक जगह पर ऐसा गया एक फेमस आदमी का बेसणा में, तो मैं देख के हैरान हो गया। वहाँ पूरे हॉल के बाहर उसके अभी तक की सिद्धि के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, बड़े बड़े फोटो लगे थे, बड़े बड़े VIP के साथ, अचीवमेंट मेडल ये सब। मुझे हैरान हुआ कि अब ये क्या जरूरत है ये सब चीज़ों की। शायद इसलिए कि लोग यह अभी भी देख के तारीफ करें, यार ये आदमी इतना बड़ा था, इतना बड़ा काम किया, मगर ये तारीफ कौन सुनेगा? वो आदमी तो चला गया था। बाहर निकले तो एक डायरी थी जिसमें हमें लिखना था आदमी के बारे में। तो क्या सभी इंसान अच्छा लिखेंगे? वैसे इंसान भी अच्छा ही था, मगर ये डायरी वो पढ़ने वाला है कभी? नहीं पढ़ने वाला है दोस्तों। फिर भी ऐसा क्यों? अगर आदमी को मरने के बाद भी तारीफ की ज़रूरत होती है तो जिंदा आदमी को कितनी ज़रूरत होती होगी, कभी आपने सोचा है? कभी आप दिल से किसी की तारीफ करते हो? हम अपने में इतने बिजी रहते हैं ना कि ये सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान को भी तारीफ अच्छी लगती है, मालूम है आपको? भजन देखा है कभी? भजन के वर्ड सुने? भजन क्या होते हैं? भगवान की तारीफ होती है। अगर भगवान को तारीफ पसंद है तो इंसान को क्यों नहीं होगी? आज से शुरू कर दीजिए तारीफ करने के लिए। कैसे कर सकते हैं? किसी को अवार्ड दो, मेडल दो, ये भी एक एप्रिसिएशन है। आप कंपनी के मालिक है तो अवार्ड सेरेमनी रखो, लोगों के सामने उनको अवार्ड दो, मेडल दो, मैन ऑफ द मंथ ऐसा उसकी फोटो लगाओ। ऐसे करने से उनकी इनडायरेक्टली तारीफ होती है, वो दिल से काम करता है आपके लिए। अगर आपको तारीफ पसंद है तो दूसरे को भी तो होगी। मैं TA सिखाता हूँ, आपको मालूम होगा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, शायद आपने वो कोर्स देखा होगा मेरा। उसमें एक बात करता हूँ कि एवरीबडी इज हंग्री फॉर एप्रिसिएशन, इसको स्ट्रोक हंगर कहते हैं TA के लैंग्वेज में। लोग भूखे हैं, तारीफ के भूखे हैं। सबसे बड़ी भूख हिंदुस्तान में है खाने के नहीं है, फूड के नहीं है, तारीफ के है। अगर ये भूख लोगों की पूरी कर सकता है ना दोस्तों, तो लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं।
आज से ही शुरू कर दीजिए। मुकेश अंबानी को भी तारीफ की भूख है, नरेंद्र मोदी को भी है, जितेंद्र अढ़िया के भी है, और आपके आजू बाजू में जितने लोग काम करते रहते हैं ना, सबको जरूरत है। आज से शुरू कर दीजिए, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। आपके क्या जाता है, आपके जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। दो अच्छे वर्ड मुँह से निकालना है और कुछ नहीं करना है, जादू हो जाएगा दोस्तों। आज से ही शुरू कर दोगे ये एपिसोड देखने के बाद, शुरू कर दीजिए। 24 घंटा उसकी असर देखिए। कल फिर मिलते हैं दूसरे नियम के साथ। ऑल द बेस्ट।